This program is brought to you by indianfunkar.com. नमस्कार मित्रों, इंडियन फनकार में आपका स्वागत है। आज एक कविता सुनाने जा रही हूँ मैं, यामिनी व्यास। शीर्षक, मेरा अधूरा निबंध। मेरा अधूरा निबंध। आखिर क्यों नहीं जाता था वो पंछी अपने घोंसले में? आखिर क्यों नहीं जाता था वो पंछी अपने घोंसले में? चारों ओर तरोताजा बर्फीली बारिश, चारों ओर तरोताजा बर्फीली बारिश, मौजिला तूफान, नशीली आंधी, बहकी हुई शाम, मौजिला तूफान, नशीली आंधी, बहकी हुई शाम। इतनी सारी चीज़ों के बीच में वो अपनी रिदम में नाचता था। इतनी सारी चीज़ों के बीच में वो अपनी रिदम में नाचता था। नाचता नहीं था शायद कुछ ढूंढता था। नाचता नहीं था शायद कुछ ढूंढता था। क्या खो गया होगा, क्या खो गया होगा? अपना देश, अपना साथ, अपना सपना। क्या खो गया होगा? अपना देश, अपना साथ, अपना सपना। इधर उधर क्या देखता होगा, इधर उधर क्या देखता होगा कि बर्फ की चादर ओढ़े नंगे पेड़ों के पत्ते कब झूमेंगे? बर्फ की चादर ओढ़े नंगे पेड़ों के पत्ते कब झूमेंगे? बर्फीली सड़क अपने आप कब दौड़ेगी? बर्फीली सड़क अपने आप कब दौड़ेगी? जमी को मिलने आया हुआ बादल, जमी को मिलने आया हुआ बादल फिर से आसमान तक जा पाएगा? जमी को मिलने आया हुआ बादल फिर से आसमान तक जा पाएगा? ओहो, मैं तो ये निबंध लिख रही थी, मैं तो ये निबंध लिख रही थी। दौरान वो पंछी अंडे रख के पंख फैलाए बैठा था, बल्कि बैठी थी। मैं तो ये निबंध लिख रही थी, दौरान वो पंछी अंडे रख के पंख फैला के बैठा था, बल्कि बैठी थी। एक माँ ने अपना खूबसूरत सा निबंध पूरा किया, एक माँ ने अपना खूबसूरत सा निबंध पूरा किया, और मेरा रहा अधूरा, और मेरा रहा अधूरा। थैंक यू वेरी मच। मित्रों, ये कविता आपको अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।